इनका जो रिलेशनशिप स्टेटस है वो इट्स कॉम्प्लिकेटेड के स्टेटस में आता है हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू द ब्लॉग्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आई होप आपका दिन बहुत ही अच्छा जाए बहुत 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 अच्छा जाए तो अभी लेते हैं अपना कॉफी और शुरू करते हैं अपना पढ़ाई और करते रहेंगे बातें बीच-बीच में तो अभी प्लान था ये जो चीज़ यहाँ पे है बीच में इसको काटने का लेकिन जैसे ही एक दो कैटरपिलर ऊपर आ गए भाई रहने दो इससे अच्छा मैं आपको ऐसे करके मौसम दिखा दूँ इसे रहने ही देता है तो अभी हो चुका है हमारा पढ़ाई थोड़ी देर के लिए स्टॉप तो अभी हम चलते हैं नहाने फिर कुछ खाते हैं बहुत तेज़ भूख लगी है तो नहाना हो चुका है हमारा ख़त्म पाइन एपल जो वहां पे रेडी है तो करते हैं आपसे एक छोटी सी बातचीत और फोन को वहां पे टिकाते हैं फिर आपसे बात करते हैं आ, पता है आज की बातचीत बीच से ही शुरू कर रहा हूँ लेकिन आ, क्या करे जरूरी था तो जो चीज के बारे में बात करना था वो ये है कि हमको शुरू करनी है मोटो ब्लॉगिंग और उसके लिए हमें चाहिए एक्शन कैमरा लेकिन दिक्कत यह है कि अभी गोप्रो हम ले नहीं सकते और उसके अलावा उसके जैसा क्लैरिटी देने वाला एक्शन कैमरा कौन सा है वो मेरे को डिसाइड करने में दिक्कत हो रही है तो अगर आपको पता है कि एक्शन कैमरा अच्छा क्या है गोप्रो के अलावा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्योंकि मुझे खरीदना है और जल्दी खरीदना है तो आज के ही वीडियो में कमेंट करके बता दीजिए कि कौन सा एक्शन कैमरा बेटर है ताकि मैं खरीद सकूं। तो पढ़ाई हो चुका है खत्म अभी हम जाएंगे अपना खाना खाने और फिर आके शाम को आज रेस्ट नहीं ले सकता क्योंकि आज हमारा टेस्ट है तो खाना खाने के बाद आएंगे टेस्ट देने अब इस मौसम का क्या बताया जाए पहले सुबह धूप निकली हुई थी फिर जब हम खाने गए तब बारिश हो गई अब फिर से धूप निकल रही है इनका ब्रेकअप और पैचअप ना करते हुए इनको इनका जो रिलेशनशिप स्टाटस है वो इट्स कॉम्प्लिकेटेड के स्टेटस में आता है सोहेंस फोर्थ उड़ीसा और बारिश का स्टेटस इट्स कॉम्प्लिकेटेड है टेस्ट हमारा हो चुका है ख़त्म हमने शुरू किया था चार बजे अभी बज बजरे पाँच तो एक घंटे का टेस्ट था जो कि खत्म हो चुका है तो खाने के बाद रेस्ट नहीं लिया था अभी लेंगे थोड़ा सा रेस्ट और फिर चलेंगे शाम को पूजा ख़त्म करके साइकिलिंग में तो या तो मिलते हैं आपसे साइकिलिंग में और साइकिलिंग के बाद तो देखते हैं कभी भी जब मन करेगा तब बात करेंगे यार बरसात के मौसम है ना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है अभी जब मैं घर से निकला पूरा सूखा हुआ था एक बूंद पानी नहीं था जैसे ही घर से निकला भाई बारिश मतलब पूछो ही मत बाहर खड़ा रहे कहीं दुकान के अंदर और अभी घर पे आए तो चलिए थोड़ा सा नहा लेते हैं फिर एक कॉफी के साथ इतमान से आपसे बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि थोड़ी सी बारिश हो गई इसलिए इवनिंग का प्लान थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया लेकिन ना, कोई बात नहीं हमेशा सिचुएशन एक जैसा होगा कि आ, हमारे हिसाब से काम होगा वैसे तो कोई मतलब नहीं है अच्छा हुआ बारिश हो गया हम जल्दी घर आ गए आपसे थोड़ी देर और बात करने का मौका जो मिल गया तो हमारा कॉफी रेडी है तो अब करते हैं आज की बातचीत शुरू तो जैसे कि मैंने इससे पहले इसी ब्लॉग में कहा था कि आ, मेरे को एक एक्शन कैमरा लेना है हालांकि अभी गोप्रो नहीं ले सकता लेकिन जब मैंने पापा से ये डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि अगर लेना है तो बेस्ट क्वालिटी का ही लेना है हालांकि थोड़ी देर इंतज़ार कर दे जब होगा तब ले लेना अब इसमें फिजूल में अब यहाँ पे पैसा खर्च करो वहां पे पैसा खर्च करो क्या होता है जब होगा तब बढ़िया वाला लेंगे तो फिलहाल मैं ये सोच रहा हूँ कि फोन में ही कुछ ऐसा किया जाए जिसको मैं मोटो ब्लॉगिंग पे यूज कर सकूँ और गोप्रो शायद अक्टूबर या नवंबर तक मैं ले लूंगा क्योंकि उसी टाइम में सर्दी के मौसम में ही ज्यादा घूमना फिरना या मोटो ब्लॉगिंग करता हूं मैं तो उसी टाइम पे लेना सही रहेगा अभी के लिए फोन में ही काम चला लेते हैं फिलहाल एक ट्राईपोर्ड मंगवाएंगे कुछ और छोटी मोटी चीजें मंगवाएंगे जिससे फोन में मोटो ब्लॉगिंग किया जा सके फोन को जैसे आता है बेल्ट आता है चेस्ट पे आप फोन को टिका सकते हो तो वैसे ही कुछ सेटअप खरीद के फोन से ही अब मोटो ब्लॉगिंग करेंगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बहुत जल्द ही बहुत ही अच्छी मोटो ब्लॉगिंग की वीडियो आएगी जैसे कि अभी मैं लॉ पढ़ रहा हूँ तो मैं ये सोच रहा था कि अपने ब्लॉग में हर दिन कुछ कुछ छोटा छोटा चीजें जो कि मतलब लेमैन को जानना बहुत ही जरूरी है वैसा कुछ कुछ प्रोविजन जो है हमारे इंडियन लॉ में वो मैं आपको बताऊं तो ये आइडिया कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं इसे जल्द से जल्द अपने ब्लॉग में इम्प्लीमेंट कर पाऊं तो जैसा कि आज फ्रेंडशिप डे है सो हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू जितने भी मेरे तीन सौ तीन सौ बीस सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़े हमारी जो ये जो यूट्यूब की जो फैमिली है आप लोग जो मेरे दोस्त हैं उन सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू थैंक यू फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ माय जर्नी थैंक यू सो मच थैंक यू ऑल लव यू ऑल तो जानता हूँ कभी ब्लॉग बड़ा आता है कभी छोटा आता है लेकिन आ, क्या करें हमेशा एक जैसा सिचुएशन नहीं हो पाता तो कभी कभी छोटे छोटे ब्लॉग में चला लो कभी लंबा ब्लॉग डाल देंगे जैसे कि आपको देखने में मजा आता है तो कोई बात नहीं उतार चढ़ाव लगे रहते हैं तो अपनी बातचीत चलनी चाहिए तो ये कॉफी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं इसके बाद इसको एडिट करेंगे फिर अपलोड भी करना है डालना है अभी आठ बज चुके हैं तो टाइम नौ बजे तक ब्लॉग डालना है सो तंगे पाडाइटे टाटा स्टे होम स्टे से